Let's open this up in our studios. Joining us live is senior advocate Anoop Chaudhary, Amber Zaidi, women rights activist also joining us live, Martin Puri, Hindu Dharm Guru joining us in our studios, also Vipul Garg, Asaram Bapu supporter. To you first, Vipul, clearly this verdict has come as a setback for Asaram and his followers. How are you viewing this? Sir, इसका मैं बताना चाहूंगा, एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ डॉक्टर स्वामी का. जब ये राम रहीम जी कन्विक्ट हुए थे, सुब्रमण्यम स्वामी या मैं उनका ट्वीट पढ़ रहा हूँ, 6:12 का है, 25 अगस्त का. ए न्यू थ्रेट टू साधुस पॉलिटिशियंस एंड आश्रमाइट्स वांटिंग टू ग्रैब आश्रम व्यवस्था से उनकी जो साधकों की फॉलोइंग है उससे हमारे कुछ नेता लोग डरे हुए हैं, इसलिए उनको ऐसे ऐसे केसेस में डालकर डालते हैं आजकल फेक न्यूज भी बड़ा फैल रहा है. नो, इट्स रियल ट्वीट. आई यू कैन क्लेम ऑन मी लीगल एक्शन. बट सो आपको लग रहा है ये कंस्पिरेसी चल रहा है? दिस इज ए कंस्पिरेसी ऑन हिंदुइज्म, दिस इज ए कंस्पिरेसी. अभी अगली बार किसी और की बारी आएगी, अगली बार किसी, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, के बाद एक की बारी. राम रहीम तक उदाहरण दे, हमारे गुरुजी ने कल ही बोला कि हम लोग गांधी जी के आदर्शों पे चल रहे हैं और हमारा साथ. मगर फिर कोर्ट्स का क्या विपुल, कोर्ट्स का क्या? कोर्ट में देखो, ऐसा नहीं है, एक सेकंड, ऐसा नहीं है कि मीडिया ने उनको दोषी ठहरा दिया. ऐसा नहीं, मीडिया का तो फर्ज ठहरा दिया. ऐसा नहीं है, एक सेकंड, नहीं है कि विक्टिम ने दोषी ठहरा दिया. कानूनी प्रतिक्रिया चली 5 साल के लिए और उसके बाद उनको दोषी ठहराया गया. मगर फिर भी आप कह रहे हैं कंस्पिरेसी है. कॉन्स्पिरेसी है बिकॉज पुलिस ने जो है वो एक पक्षी जो है जांच करी है और ये निकल के आएगा हाईकोर्ट में, ये निकल के आएगा. हमारे वकील ने बोला और कल कई न्यूज पे खुलासा भी हुआ. चलिए, उसका इंतजार करेंगे, बात करी थी, उसका इंतजार करेंगे, उसका इंतजार करेंगे हम. मगर तब तक तो वो गिल्टी है, तब तक ही इज गिल्टी अकॉर्डिंग टू द लॉ यू कैन से. लेकिन भक्तों के हृदय में वो अभी भी. मार्तनपुरी, दिस इज अ कंस्पिरेसी अगेंस्ट सर्टेन धर्म गुरुज इज व्हाट आसाराम सपोर्टर्स से. How do you see this? This can be one part. This can be. But as get him respected like a God, he has a connection with God. Vipul. Lekin main kehna chahta hu. No, please, Vipul ji. He should connect to the God. This is Shastra says. If any guru says that he is God himself, I'm not going to accept it. मेरे गले में कोई माला नहीं है, कोई लॉकेट नहीं है, जैसे तुलसी माला. तो ऐसा कहना कि जो धर्मगुरु अपने नाम का लॉकेट पहनाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बापू ने कभी नहीं कहा मेरे नाम का लॉकेट. बापू जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट बापू. आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजन. ये श्रद्धा की बात है. अगर कोई गुरु को इतना पूजते हैं, गुरु को कभी नहीं. ये भी आप सुन रहे थे कि बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन आया वहाँ. राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि लोगों को बचना चाहिए. ऐसे उन्हीं के राज में तो ये हुआ है. बाबाओं से लोगों को बचना चाहिए, उन्हीं के राज में तो ये हुआ है. कॉन्स्पिरेसी ऑफ पॉलिटिशियन दैट वाज कांग्रेस आल्सो इन्वॉल्वड इन इट समय. अभी बीजेपी उन्हीं के पीछे चल रही है एंड दे आर इवन इन यू कैन सी इन कार बाबा जी का फोटो एंड लॉट ऑफ थिंग. दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट मार्तन पुरी इज मेकिंग, दैट गॉड मैन शुड instill faith in God. Yes. They should not become God himself. वो विश्वास विश्वास का माध्यम बने, वो आपको संपर्क करवाए भगवान से, वो खुद स्वयं भगवान ना बने. हमारा तो ये अनुभव है कि गुरुजी को अपना दर्शन करके, उनको देखकर हमारे को आध्यात्मिक शांति का वो एहसास हुआ और हमारे मन के विचार शांत होते हैं. तो इसीलिए हम फॉलो कर रहे हैं. हमारे को रगों रगों में भगवान का नाम उन्होंने जपना सिखाया और जहां वो होते हैं वहां अच्छा ही. ओके, हाउएवर, यू नो, व्हाइल विपुल इज बीइंग वेरी पीसफुल, ब्रिजेश पांडे ऑन द शो, इज एन आसाराम सपोर्टर, इज ऑफ कोर्स इशूड एन अपील फॉर पीस एज वेल. What about other Asaram supporters? What are the latest reports coming in? So far, of course, thankfully, no reports of vandalism or adverse law and order. The verdict has come in from this special SCST court in Jodhpur. However, still, Asaram supporters refusing to abide by it. You're hearing what they have to say across the country. Is that unfortunate? Now, I can't say abide by it. Every person has a right to say that the verdict is wrong. We have to expect other person's views as well. Exactly. The whole question is, at the moment,
it's very heartening to see that it's been peaceful. Yeah. And not like Ram Rahim. Exactly. You have to give credit to his followers that they have maintained peace. The government also. Yes. Government. And the government the also. Because they have suffered, but they don't want to go through the. वो कहते हैं ना हिंदी में कि दूसरा जला दूध का जला होता है छाछ तो केवल जोधपुर में लगी है बापू के साधक तो पूरे देश भर में है तो शांति के उपासक है जब भी तो शांति है दैट इज हां हां तो कौन मना कर रहा है और आश्रम आल्सो शुड बी लेट अस जो अच्छी चीज है उसको बहुत अच्छा किया नहीं क्योंकि अगर आप हिंसा करेंगे तो वो इट विल बी बैड ऑन आसन ऑफ खुद खिलाफ अहिंसा परमो धर्म हम इसमें विश्वास करते हैं देखिए एक बात और है आप या मान के चलिएगा जजेस आर ऑल्सो ह्यूमन बींग जजेस कोई बिल्कुल पत्थर का पुतला नहीं होते हैं वो भी हार्ड मास के बने हुए हैं वो भी इमोशन होता है और जज एक बात हम आपको बता दें मेरे पिछले 52 साल की प्रैक्टिस में हम तो प्रदेश के एडवोकेट जनरल भी रहे हैं कई साल तक बहुत साल पहले मध्य प्रदेश जज पहले मन बनाता है उसको लगता है कि हाँ ये गिल्टी है फिर वो अपने व्यू को सपोर्ट देने के लिए डॉक्यूमेंट ढूंढता है जैसे जनरल प्रैक्टिस हाउ इट हैज ऑलवेज हैपेंड लाइक Now the question is, they have a right of appeal. There is no doubt about that. They have a right to appeal. They have a right of appeal. Supreme Court, and if they succeed, it's a different matter. They don't succeed, then the whole thing remains. Absolutely. Minimum imprisonment, Vipul Garg, will be 10 years, is what we are being told. Maximum, of course, is life. 5 years, to unko already ho gaye hain. जी. तो ये मुझे लगता है कि High Court को या Supreme Court को इसको देखना चाहिए कि 5 साल में भी दिन रात गिनी जाएगी. वो argument तो देखेंगे. देखेंगे. वो अलग बात है. मगर क्या? नहीं मैं जो और 80 साल की उम्र गलत फहमी में दूर करना चाहते अच्छा नहीं एक सेकंड कैन बी इतने समय नहीं कोर्ट कैन बी एक्सपेक्ट कैन बी एक्सपेक्ट दीज टू बी दी आर्ग्यूमेंट्स कैन बी एक्सपेक्ट दीज टू बी दी आर्ग्यूमेंट्स वंस आई जस्ट कम बैक टू यू नो विपुल विपुल इज गिविंग अस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट विल बी दी आर्ग्यूमेंट्स हिज एज विल बी पुट फॉर्थ हिज ओल्ड एज ऑल्सो द गुड वर्क चैरिटेबल कुड बी एक्सपेक्ट कि वो सब लाया जाएगा कोर्ट के सामने जज के सामने देखिए क्या होता है अभी जज बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अभी तक हुई नहीं है जस्ट वेट एंड वॉच नहीं देखिए ऐसा है आई डोंट थिंक इट्स बी फेयर टू पिन हिम डाउन एग्जैक्टली बिकॉज़ ही इज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग ही इज नॉट अवेयर ही द लॉयर्स व्हाट विल दे विल आर्ग्यू एग्जैक्टली आई एम जस्ट रिपोर्टिंग नॉट अवेयर इफ आई वाज अ डिफेंस काउंसिल ओके वन सेक बिफोर यू गेट टू द डिफेंस द एक्चुअल डिफेंस इज कमिंग आउट या गो अहेड मैं ये बोल रहा था कि 376D लगाया है गुरुजी पे ये गैंग रेप की धारा है उसके साथ रेप भी नहीं हुआ केवल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तब भी वो लड़की ये कहलाने में बड़ी खुश हो रही है कि गैंग रेप हुआ है 376D भी लगा हुआ था आपके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट वेरी शेमफुल एंड वेरी अनलकी कि ये धारा पुलिस ने एक गलत नियत से जोड़ी है दूसरी बात अगर बापू का ऐसा कुछ करना होता मैडम लिसन टू मी अगर गुरुजी का ऐसा कुछ करना होता 40 गुरुकुल चल रहे हैं पिछले 10-15 सालों से बापू के गुरुकुल में पढ़ती थी वो भाई भी उसका पढ़ता था अगर गुरुजी को करना होता उसके पेरेंट्स को क्यों बुलाते उसको आप ऐसे बुला लेते उसके पेरेंट्स वही थे विपुल आपकी बात जो आप बोल रहे हैं उससे मैं एग्री करती हूँ लेकिन हमने पास्ट में पिछले 5-10 सालों में इतने सारे केसेस देखे हैं औरतों के साथ को बुला सकते थे उनको बुला सकते थे अगर एक विक्टिम मैं बोल रहा हूँ कि अगर रेप करना होता तो उसके पेरेंट्स को शाहजहांपुर से जोधपुर क्यों बुलाते वो लड़की तो गुरुकुल में पढ़ रही थी अगर ऐसी नियत होती तो उनकी बापू जी के ऊपर ट्रैफलिंग का रोड लगाया गया 370 का कितना गलत लगाया अगर बापू जी बंधक बनाते उनको छोड़ते क्यों वो अपने घर क्यों जाते 5 दिन बाद एफआईआर की उन्होंने रात के 3 बजे 2:45 पर उन्होंने रात को 20 अगस्त 2013 को एफआईआर की है तो ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है वो लोग अभी कल हमारे एक न्यूज चैनल पे हमारे वकील ने बताया कि ये बापू को खत्म करके एक नया किसी व्यक्ति को वहाँ पे लाना चाहते थे लेकिन उसमें सफल नहीं हो रहे इसलिए उन्होंने ये नीच आरोप लगाया आसाराम बापू I respect your faith, but you can't be biased. I'm not only saying that. There are thousands, crores of fathers. देखिए, आपने, by saying, you are simply accusing every authority, police, judges and everyone. Yeah. Judges also are this. साध्वी प्रज्ञा 11 साल बाद निर्दोष बरी साल नहीं नहीं इतना अंधविश नहीं नहीं अंबर ये कह रही पुलिस ने गलत चार्जिंग फाइल की yes, it is correct. उन्होंने एक पक्ष का ही रखा नहीं जब दिल्ली में 5 धारा हुई तो वहाँ 10 कैसे बन गई नहीं जब एक दो गुना कैसे हो गए जोधपुर जाते जाते आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी की है ना देखिए मामला जोधपुर का ही था मामला जोधपुर का ही था मामला जोधपुर का ही था तो मामला तो जोधपुर ही जाएगा और फिर दिल्ली में क्यों 164 के बयान हुए यही तो हमारे बिकॉज दे फेयर इट दे वर स्केर्ड शाहजहांपुर और जयपुर के बीच में दिल्ली आता है तो उन्होंने न्यूट्रल जगह चुनी
एग्जैक्टली नहीं, पांच दिन बाद उन्होंने कराई है, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उसी दिन करा देती भैया आप। ही इज अ पावरफुल इंडिविजुअल, ही इज अ पावरफुल इंडिविजुअल। उन्होंने दो तीन कैसे, उन्होंने पांच दिन सोचा होगा, पांच दिन बाद कैसे हिम्मत आ गई, पांच दिन सोचा होगा या नहीं, पांच दिन देखिए ऐसे मान लो वो भी रात के 3 बजे याद आई, वो भी दिल्ली में जहां बापूजी का सत्संग था। मगर आई एम सॉरी विपुल, विपुल विपुल आप विक्टिम को इंसल्ट कर रहे हैं, आप विक्टिम को इंसल्ट कर रहे हैं ऐसी बातें रख के। यू आर इंसल्टिंग द विक्टिम, उसके साथ कुछ रेप नहीं हुआ है, ये एलिगेशन लगा है, एक साजिश कर रहे हैं बापू को फंसाया जाए। ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉड, गॉड मैन आई एम सॉरी, ये जो मामला है कि डिले करके, एक मिनट लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। हमारा देश भारत देश जहाँ पे आदि शक्ति नारी शक्ति काली लक्ष्मी आपकी पूजा की जाती है, और आप एक विक्टिम को सीधे सिरे से बोल रहे हैं कि वो झूठी है, है ना? आप बोल रहे हैं जुडिशियल हम भी नारी का सम्मान करते हैं, हमारे आश्रम में नारियों के लिए महिला आश्रम खुला है, अगर वो ये सच्चा होता, अगर गुरु जी ऐसा कुछ कर सकते। इन एक लड़की को अनाइमा सेल्यू ऑल्सो, सूरत का मामला भी तो है, सूरत का मामला भी तो है, पुराना है सूरत का मामला भी तो है। ओनली पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कि यहाँ फंसे तो यहाँ भी फंसा दो। मार्तनपुरी 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 केस अभी रिसेंटली मार्तनपुरी मार्तनपुरी लॉट ऑफ गर्ल्स केम आउट एंड दे बीन रेप, देन उस केस में क्या बोलेंगे आप? मुझे केवल अपने गुरुजी का पता है, आई डोंट नो, आपके गुरुजी का पता है? देखिए ऐसा है कि हमारी सहानुभूति उस लड़की के साथ भी अवश्य होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, और उसकी पीड़ा को भी। देखिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब तक कोई बहुत पीड़ा नहीं होगी कोई कन्या इस प्रकार की बात नहीं करनी चाहिए। दिस इज द पॉइंट। और आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी हो भी सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह पीड़ा अपने आप में उसको समझा जाना चाहिए। और इतने क्यों कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, मैं आपसे भी पूछूंगा मार्तिन जी, आप भी पहले कह रहे थे कि शायद हिंदू धर्म गुरु के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, कौन चला रहा है ये कॉन्स्पिरेसी? और क्यों विदेशी कंपनियां, क्योंकि बापू के साथ कोका कोला नहीं पीते, पेप्सी नहीं पीते, मल्टीनेशनल कंपनीज के पेप्सी खरीदते, तो वो सब अगेंस्ट हो जाते हैं। हम लोग आयुर्वेदिक, इसका प्रूफ कहां है? इसका प्रूफ कहां है? इसका प्रूफ कहां है? इसका उत्तर मुझसे अभी इन्होंने कहा, खुद इन्होंने अभी कहा कि वहां वहां किसी को और बैठाना चाहते थे। मूल कारण क्या है कि आज इन आश्रमों में जितना संग्रह हो गया है, जितना धन हो गया है, उस धन को लेके भी बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है। जिन संतों को त्याग और तपस्या का उपदेश देना चाहिए वो संग्रही हो रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, धन का संग्रह कर रहे हैं, जमीन का संग्रह कर रहे हैं, और सबका संग्रह कर काम भी कर रहे हैं। विपुल यह संग्रह कारण है, और यह संग्रह जो है हम उस पर नहीं जा रहे, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भक्तों के लिए होते, दिवाली की जमीन कब्जा लेंगे, आपकी कब्जा ही है, कितने सारे केस लैंड ग्रैबिंग, जितने भी आश्रम बने हैं, आश्रम कैसे बने हैं, आपके आसाराम जहाँ की लोकल समिति थी वो डोनेट करते हैं लैंड को, दे आर 40 ट्रस्ट इन अवर आश्रम, 40 ट्रस्ट हैं जहाँ पर हर महीने बिना राशन कार्ड के हमारे, अरे भक्तों की फेथ है, भक्तों की फेथ है, जबरदस्ती कोई अपना घर नहीं देता, भक्तों क्यों नहीं देता, जबरदस्ती क्यों नहीं, बापूजी ने उनको दिखा कुछ तो दे दिया, आपको कोई नहीं दे सकता, लेकिन गुरुजी को दिया, और अभी भी चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, 5 साल के बाद भी 400 आश्रम गोइंग ऑन, 400 आश्रम गोइंग ऑन कुछ इंडिया वी वोंट गोइंग टू ऑल एलिगेशंस। वो बात तो मैं मानता हूँ विपुल की, कि कई भक्त होते हैं जो अपनी जमीन दे देते हैं, मगर कुछ गंभीर चार्जेस भी हैं। जयपुर का एक किस्सा था जोतवारा में, वहाँ अभी जो हाईकोर्ट, वेलकम बैक, यू स्टिल ऑन न्यूज एक्स, आई एम संजना चौहान, एंड नाउ वे लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट हू आर जॉइनिंग अस ऑन दिस वेरी वेरी क्रूशियल डे। अनूप चौधरी सीनियर लॉयर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, आई हैव अंबर जेडी वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, विपुल गर्ग a supporter, and Martan Puri, a Hindu Dharm Guru. Thank you so much for speaking with NewsX. A big day today. I'm going to come to you first. Vipul Garg, would you like to react to that? Yeah. मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो केस का आज वर्डिक्ट आया है, गवाहों के मरने की आप बात कर रहे थे, क्या आपको इसकी नॉलेज है पूरी कि गवाह कब मरे? जब जब हमारी कोर्ट्स में बेल एप्लीकेशंस लगती थी तब तब गवाहों पे ऐसे हमले हुए। कौन कर रहे थे? अगर कोई व्यक्ति खुद अपना जेल में हो
और उन गवाहों के बयान हो चुके हों क्रॉस में, तो वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमको वो चांस नहीं मिला अगर वो चले गए तो, मतलब वो उनका गोली मार के हत्या कर दी गई तो ये तो हमारे दुश्मन लोग ही है ना, कि जो हम लोग खुद अंदर अपना हम लोग बापू अंदर हैं और हम अपने गवाहों को मरवाएंगे, अपनी बेल को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी है, दे आर सम एलिमेंट्स जो हमारे आश्रम से बाहर निकल गए वो, और कुछ लोग पॉलिटिक्स और कुछ लोग मिलकर ये एक षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसकी कॉन्स्पिरेसी जो कि बापू जी को ओके फॉर अ मिनट आई विल एक्सेप्ट दैट, पर आप इसका क्या कहेंगे दैट देयर हैव आल्सो बीन लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स एंड मैसेजेस टू द की विटनेसेस टू द विक्टिम टू द विक्टिम्स फैमिली, उसका मतलब आई एम श्योर लेकिन ये साबित कहा हुआ है कि जो उनको कॉल कर रहे हैं थ्रेट कर रहे हैं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर आई एम फॉर वंस प्लीज डोंट थिंक कि मैं ऐसे बोल रही हूँ दैट आई एम इम्प्लाइंग समथिंग, बट फैक्ट्स आर फैक्ट्स, आउट ऑफ द नाइन विटनेसेस थ्री आर नो ओके दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द केस। ये कहां प्रूव हुआ है हमने सर, आई डिड आई वंस से दैट आप दे वुड बी इमोशनली, पांच लोगों के खिलाफ ये हुआ था, दो उसमें बरी भी हुए हैं, उस पर भी बात कीजिए ना। उस समय तो मीडिया वाले पांच साल पहले बड़ा दिखाते थे कि शिवा के मोबाइल में ये मिला, एक लड़की को जो कि वो भी नाबालिग थी उसको बदनाम किया, आज उस पर भी पॉस्को केस चल रहा है और वो भी मीडिया पर्सन है आप जानते भी होंगे। तो आज वो शिवा एंड प्रकाश बरी हुए उस पर भी बात कीजिए, क्यों बरी हो गए उस पर वो कह सकते हैं कि गलत बरी हुए, जैसे आप कह रहे हैं गलत कन्विक्शन हुआ तो जो बरी हुए उसमें प्रोसिक्यूशन कह सकता है कि ये तो गलत बरी हुए, इनके खिलाफ हम उस पर भी डिस्कशन कीजिए, इनके पास हम अपील करेंगे। आज तो आप इसके वर्डिक्ट पे बात करें वो तो इस पर भी कीजिए, किन कारणों से क्या डिस्कस करें, क्योंकि हम किन कारणों से बरी हुए हमें पता नहीं एग्जैक्टली, बिकॉज़ वेट एंड वॉच, वो अभी डिसीजन को आने दीजिए, कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि